एंड वेलकम टू डेली बुलेटिन गुलबर्गा। सबसे पहले बात करते हैं संडे लॉकडाउन के बारे में। जी हाँ, संडे लॉकडाउन होने वाला है, संपूर्ण लॉकडाउन इसे कहते हैं, यानी टोटल लॉकडाउन। टीएम विजय भास्कर जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं कर्नाटक के, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था अनलॉक 2.0 के अंदर, जहां पर खास करके नाइट कर्फ्यू के बारे में बताया गया था और साथ साथ संडे लॉकडाउन। तो आने वाला संडे 2 अगस्त को भी लॉकडाउन होने वाला है। ये कब तक सिलसिला चलने वाला है लॉकडाउन का, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन कल टोटल लॉकडाउन रहेगा। आप घर से बाहर ना निकलें और इस लॉकडाउन को सपोर्ट करें। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की तरफ से आया हुआ ये ऑर्डर जो कि ईद उल अजहा के बारे में है, कि ईद उल अजहा के अंदर नमाज की गाइडलाइंस क्या क्या हैं। उसके अंदर सबसे पहली बात जो हाईलाइट करने वाली वो है कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की इजाज़त है और 50 लोगों की मैक्सिमम कैपेसिटी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा लोग अगर हो जाएँ तो 2 से 3 आप बैचेस पढ़ाकर नमाज पढ़ा सकते हैं। ईदगाह के बारे में ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि ईदगाह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते हैं, इसीलिए ईदगाह की परमिशन नहीं मिली है। और जो मस्जिद कोविड पॉजिटिव या पैंडेमिक केसेस के करीब है, कंटेनमेंट जोन के करीब है, वहाँ पर नमाज अदा नहीं की जा सकती और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देखकर उस मस्जिद में पढ़ना सेफ नहीं रहेगा अगर आसपास में केसेस पॉजिटिव नजर आए तो। नमाज के लिए आपको अपनी खुद की जायनमाज ले जाना है और किसी से हाथ नहीं मिलाना है, ना ही गले मिलना है। मास्क कंपल्सरी पहनना है और सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है। जो बच्चों की उम्र 10 साल के नीचे है और बड़ों की उम्र जो 60 साल या 60 साल के अबोव है, उन्हें नमाज नहीं आने की अनुमति दी जा रही है। और 6 फीट का डिस्टेंस रखना है आपको नमाज के टाइम पर, जब आप सब बनाते हैं तो एक दूसरे के बीच में 6 फीट का डिस्टेंस रखना है। इस तरह की गाइडलाइंस आई हैं। कुर्बानी के बारे में तो अभी इसके बारे में कोई भी अभी अपडेट नहीं आई है। आइए नजर डालते हैं कोविड 19 के केसेस पर। आज कुल मिला के 183 नए केस आए हैं, 145 डिस्चार्ज केसेस भी नजर आए, जो कि एक राहत की खबर है। और आज के दिन 4 डेथ्स रजिस्टर किए हैं। याद रखिए, जो 4 डेथ्स हैं, इससे पहले हमने कहा कि 9th को एडमिशन था और 10th को डेथ हुई थी, एक डेथ हुई 18th को और एक डेथ हुई 12th को और एक डेथ हुई 15th को। ये मामला समझ में नहीं आ रहा कि डेथ्स हो रहे हैं एक दिन और उन्हें डिस्प्ले किया जा रहा है पर्टिकुलर दिन के दिन। कोविड 19 केसेस की सारी एरिया की लिस्ट हमने हमेशा की तरह लिंक में अटैच कर दी है, आप लिंक क्लिक करके उसे देख सकते हैं। कोविड 19 की इस पैंडेमिक में तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स परेशान हैं ही, लेकिन उनसे ज़्यादा परेशान साथ ही साथ हैं नेगेटिव पेशेंट्स और जो पेशेंट जिनके तरह सिम्टम्स आ रहे हैं सर्दी जुकाम या ब्रेथलेसनेस के। एक मामला हम जो आपके सामने ला रहे हैं वो है एक लेडी का, जो कि अब डिलीवरी करने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उन्हें ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिलता ESIC हॉस्पिटल के अंदर। तो ये मामला है क्या, इसको SDPI की टीम ने सेम मामले को उठाया है, और अब्दुल रहीम पटेल और दस्तगीर साहब इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं। मैं पेशेंट का भाई हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आए थे, बहुत परेशानी हुई, शाहपुर से हम लोग बहुत परेशानी हुई, पूरे गुलबर्ग में इतने दवाखाने, बहुत से दवाखाने फिरे, हमारा कुछ समझ नहीं आया, तो SDPI वाले को हम बुलाए, तो उन्होंने आके हमारी मदद करे, ऐसा ऐसा बताए, पूरा करे, जाके हमारी बहन को बताए, फुल सीरियस थी हमारी बहन, अगर इन्होंने नहीं थे तो मेरी बहन नहीं थी आज, उनकी वजह से मेरी बहन आज जिंदा है। अगर खुदा ना खास्ता QP हॉस्पिटल वाले रहम दिली कर अगर वो जो डॉक्टर का जो पेशा है उसको सामने रख कर अगर इलाज नहीं करते तो हमें लगता था कि पेशेंट आज जिंदा नहीं रहता। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है गुलबर्गा की, क्लियर करना है क्या ये कोविड पेशेंट को ट्रीट करेंगे क्या नॉन कोविड पेशेंट को ट्रीट करेंगे। अगर कोविड पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो उसका क्या प्रोसीजर है, अगर नॉन कोविड पेशेंट है तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्योंकि अगर नॉन कोविड है तो जब भी नहीं कर तो बोल रहे हैं और कोविड पेशेंट है तो बेड नहीं है बोल के बोल रहे हैं, तो आम जनता जाना कहाँ है। बहरहाल कहीं ना कहीं उनका ट्रीटमेंट हुए जैसा एक सेटअप बनाना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कल वो हॉस्पिटल का QP हॉस्पिटल वाले इंटरवेन होकर वहाँ पर अगर ऑपरेशन नहीं होता तो आज वो बच्ची
क्या होता वो बच्ची के साथ हमें मालूम नहीं था। जैसे यादगिरी के हॉस्पिटल में सर्जरी के टाइम नेग्लिजेंसी हुई थी, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इमीडिएट फिर उसको ओपन करके वहीं पे सर्जरी करे, तो उन्होंने पेशेंट की लाइफ के बारे में नहीं सोचकर अपनी लापरवाही को कैसा ख़त्म कर देना, वो हमारे पास प्रॉब्लम नहीं रहना बल्कि ईएसआई हॉस्पिटल को फॉरवर्ड करे। तो गुलबर्गा के लिए बहुत डेंजरस है, पॉजिटिव पेशेंट, नेगेटिव पेशेंट प्लस जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रही उनके लिए आज के हालात में गुलबर्गा में बहुत सेंसिटिव हालात बने हुए। आखिर में हम बात करने वाले हैं कि ऐसा मामला जहां पर डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है और पेशेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उन्हें बीपी और शुगर टेस्ट किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि पेशेंट्स का मामला क्या है और किस तरह से सर्विस डोर टू डोर दी जा रही है। ये ANM सिस्टर्स हमारे घर पर आए थे, अच्छे से सब चेकअप होकर कर सब अच्छे से कोऑपरेट करके गए, सब अच्छा मतलब सब पूरा बीपी शुगर जो भी है एज पर्सन हो ये सब करके ऐसे सब पूछताछ करके चले गए। ना सरकारी मक्तमपुर PSC हॉस्पिटल नम ऐरिया 52 ऐरिया इन उल्द 8 ऐरिया ना बीपी शुगर चेक माता कोविड सलकी और हेल्थ एजुकेशन कोलू बे नाता। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, अब्दुल करीम मुचाले एंड सन्स क्लोथ मर्चेंट्स एंड बाय SS तेगनूर PU एंड डिग्री कॉलेज। उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको मिले हर अपडेट वेरी क्विकली। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें GoHash Networks पे।